अनियन सीड्स एंड फेनुग्रीक है मास्क, यानी कि मेथी दाना और कलौंजी का है मास्क, जो कि आपके बालों को शाइनी बनाएगा। अगर आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करेगा और साथ ही हेयर रीग्रोथ में हेल्प करेगा। हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाय, माय नेम इज मिताली। आई लव शेयरिंग वीडियोज ऑन स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, ब्यूटी एंड हैक। So please don't forget to subscribe the channel if you like content like this. And without any further ado, let's get started. आज मैं इस वीडियो में ना आपके साथ दो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक तो है हेयर मास्क की रेसिपी, जो भी आप बनाना सीखोगे, एंड सेकेंडली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर टॉनिक, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजिली बन जाएगा और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं आपके बालों के लिए। अच्छा, तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। पहली तो है कलौंजी और दूसरा है मेथी दाना। दोनों ही चीज़ें आपके बालों में, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपके बालों, झड़ते बालों को ऑलमोस्ट 90% तक ये उसको अरेस्ट कर देगा, आपके बालों का झड़ना रोक देगा। ये दोनों ही सीड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हम इंडियंस के पास इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं, हमारे किचन में इतनी चीज़ें हैं कि हमें इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें पता है तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या किया, मैंने इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर दिया है, मिक्सी में चला दिया है। अच्छा, इस पाउडर को, इस मिक्सचर को आप महीनों संभाल के रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और बस आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, जब आपका मन करे कोई हेयर मास्क बनाने का या ऑयल बनाने का, तो आप इसी मिक्सचर को यूज़ कर सकते हो। मैंने ये जो अभी प्रीवियस मेरा जो वीडियो था, उसमें मैंने एक हेयर ऑयल की रेमेडी आपके साथ शेयर की है, वेरी इजी टू मेक एंड वेरी इफ़ेक्टिव, जिसका उसी टाइम का ये जो मिक्सचर है मैंने संभाल के रखा था और आज मैं हेयर मास्क बना रही हूँ। तो अगर आपको वो हेयर ऑयल की रेमेडी देखनी है तो उसका लिंक आई बटन पे ऊपर है, आप क्लिक करके देख सकते हो। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसी मिक्सचर को मैंने एक बोल में ले लिया, ऑलमोस्ट 2 teaspoons ले लो, या अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, आपके घर में तो है ही पाउडर। और इसमें मेरे को डालना है दही, आप सभी के घर में दही होता है, उसको डाल के इसमें छोड़ दीजिए। आप ऑलमोस्ट, मैं क्या करती हूँ, अगर आपके पास टाइम है आप इसको रात भर छोड़ दो, नहीं तो आधा घंटा छोड़ दो, और उसके बाद इसको आप अप्लाई कर दो अपने बालों में। इसके फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद से ही आप देखोगे अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो ऑलमोस्ट 50% तो पहली बार के बाद ख़त्म हो जाएगी, या आप खुद नोटिस करोगे। एंड अगर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम यूज़ करोगे तो पता नहीं कितने अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये देखिए, अब ये मेरा जो पेस्ट है ये काफ़ी डार्क सा भी हो गया है, थिक भी हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं रात में बनाती हूँ, सुबह यूज़ करती हूँ। DIYs के लिए मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं होती, बहुत प्यार से मैं बनाती हूँ, ताकि इसमें जितने फ़ायदे होने हैं ना, वो सब मेरे पहली बार में सारी चीज़ों में आ जाए। ये इतना अच्छा है मास्क है ना, कि आप इसको एक बार लगाओगे और फिर आप उसको बार बार लगाओगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, इतना अच्छा क्यों? भाई, सालों से ये रेमेडीज़ यूज़ हो रही हैं, हमारे एंशियंट टाइम में भी यूज़ हो रही हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा ना इन सीड्स का। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर ये जो हमारे फेन्यूग्रीक सीड्स, इसमें निकोटिन एसिड होता है, विटामिन सी होता है, इसी तरीके से जो हमारे कलौंजी, उसमें भी बहुत सी अच्छी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन बहुत है, जो अगेन हमारे बालों में प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इंस्टेंट आपके बालों का झड़ना रोक देगा, बालों को हेल्दी बनाएगा, रूट्स को हेल्दी बनाएगा। नॉट ओनली दैट, क्योंकि मैंने कहा इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारी इन सीड्स में ये फ़ायदे हैं, इनमें हैं ये चीज़ें, मिनरल्स हैं। तो ये आपके बालों में अगर फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस है, तो ये उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। दिस इज़ द बेस्ट एंड नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट अगर आप अपने बालों को वापस रीग्रो करना चाहते हो। अगर आपके बाल डैमेज्ड हो गए हैं, चाहे आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवाया हो, हेयर कलरिंग है, पमिंग है, रीबॉन्डिंग है, जो भी, तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है आपके बालों में, तो उसके बाद आप ये सब लगा सकते हो, आपके जो बालों का डैमेज है उसको बहुत हद तक ये रोकेगा।
तो बस ये थी मेरी हेयर मास्क की रेमेडी, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन सकती है। स्टोर करके आप इस पाउडर को रख सकते हो, जब मन करे वीकेंड्स पे आपका लगाने का, जब आपके पास टाइम हो आप इसको बना सकते हो। और जो इसको लगाने का क्या है, आपको इसको मेनली अपने रूट्स पे लगाना है। रूट्स पे लगाने के बाद आपके जितना भी आपके पास बच जाता है आपको उसको अपने पूरे हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाना है। अच्छा, अगले दिन अगर आप मेरी तरह वेट कर रहे हो, अगले दिन यूज़ करते हो, तो थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, तो इतना थिक आप अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, इसी में थोड़ी सी दही और डाल दीजिएगा। और अगर आप दही नहीं डालना चाहते, कुछ और डालना चाहते हो जैसे कि एग, तो वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आपके घर में एग है तो इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप वो डाल दीजिए। ये आपके बालों को ये ना इजीली एप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा लिक्विडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकोगे। पूरे बालों में लगाना है, रूट्स पे लगाना है, और इसको एक घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल जैसे आप शैम्पू करते हो कर लेना। तो ये तो थी मेरी हेयर मास्क की रेमेडी। अब एज अ प्रॉमिस अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड रेमेडी पे, वो है हेयर टॉनिक। अगेन इसको बनाना बहुत आसान है, मतलब मेरी जो रेमेडीज़ है ना, इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अभी जो पाउडर तैयार किया था, बस इसी पाउडर को लीजिए। आपके घर में कोई स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए, और यही मिक्सचर, जो इसी मिक्सचर को आप इस पानी में डाल के रख दीजिए एक दिन पूरा। फ्रिज में भी रख दीजिएगा, और फ्रिज में ही वैसे रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी DIYs हैं वो, अगर आप उसकी शेल्फ लाइफ चाहते हो कि लंबी चले, तो आप उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके रखिए। बाहर रखते हो तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो बस, और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी अपनी कटोरी में, किसी भी बोल में आप पानी लीजिए, उसमें इसको सोक करके रख दीजिए। अब क्या करना है हमें, एक दिन सोक करके हमने इसको रख दिया, या तो स्ट्रेट वे आप इसको अपने बालों में स्प्रे कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें तो ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं, आप स्ट्रेन कर लो और वापस अपनी स्प्रे बॉटल में डाल लो और यूज़ कर लो। और जिन्होंने कटोरी में बनाया है, कुछ नहीं, आप अपनी कॉटन बॉल्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, स्ट्रेट अवे अपने बालों के रूट्स पे लगा के रात भर लगा रहने दीजिए। रात में लगाइए स्पेशली, बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने बालों में कुछ लगाया है। तो ये आपके बालों को बिना किसी को बताए आपके बालों को ट्रीट करता रहेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, आपने रात भर लगा के छोड़ दो, आप अगले दिन भी कोई शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, कोई स्टिकी नहीं होगा, कुछ ऑयली नहीं होगा। आप इसको दो दिन बाद, तीन दिन बाद धो लीजिए, रोज़ लगा सकते हो, रोज़ स्प्रे कर सकते हो अपने बालों में आप इसी टॉनिक को। एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, बहुत अच्छा है। और बस, तो ये था मेरी जो दोनों हेयर पैक एंड हेयर टॉनिक की रेमेडीज़। आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी और आप इससे अपना बेनिफिट उठा पाओगे। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, और करते हो तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, इसमें कंजूसी मत किया करो। एंड सो दिस इज़ इट, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, Don't forget to subscribe to channel. If you want to see more videos like this, so please subscribe kar lena. Comment kar do, share kar do. And bas, that's it. Thank you so much guys for all the love and appreciation. Thank you so much.